नमस्कार, आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में गुरु ब्राह्मण समाज न्यास के द्वारा धूमधाम से महर्षि दधीचि का जन्मोत्सव मनाया गया। प्रातः से ही भगवान शिव का पंचामृत से स्नान, केसरिया भैरव का स्नान, भगवान दधीचि का स्नान कराकर श्रृंगार कर पूजन किया गया। पूजन के पश्चात महर्षि दधीचि और भगवान महाकाल केसरिया भैरव से समाज कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सामूहिक यज्ञ किया गया। यज्ञ के पश्चात महाआरती का आयोजन परम पूज्य परमहंस संत श्री अवधेशपुरी जी महाराज स्वास्तिक पीठाधीश्वर उज्जैन के सानिध्य में महाआरती की गई। इसके पश्चात पीठाधीश्वर अवधेशपुरी जी महाराज की मुख्य अतिथि में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें समाज के अध्यक्ष राजेश जी शर्मा उज्जैन सहित समस्त कार्यकारिणी ने समाज सेवियों के द्वारा मुख्य अतिथि सहित समाज के सम्मानित दिलीप शर्मा रवि पवार का मंच पर स्वागत कर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें उज्जैन समाज में बच्चे जो कक्षा 8वीं से कॉलेज तक प्रथम श्रेणी में आए सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर स्वागत किया गया। वहीं उज्जैन समाज के द्वारा संगीत के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल करने वाले, गौरव समाज का नाम रोशन करने वाले ध्रुपद गायक श्री कैलाश जी पंवार इंदौर को संगीत के क्षेत्र में गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात पीठाधीश्वर संत श्री के आशीर्वचन समाज को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक ऐसे आदर्श संत श्री महर्षि दधीचि हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वहीं गुरु समाज के आचार्य पंडित श्री राजेंद्र शर्मा वाघिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि महर्षि दधीचि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसी चारों मुक्ति किसी को भी नहीं प्राप्त हुई है। हम ऐसे संत श्री महर्षि दधीचि के वंशज है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन के पश्चात सामूहिक भोज का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में उज्जैन समाज के सभी समाजजन एवं बाहर से आए पधारे अतिथियों ने प्रसादी ग्रहण की। इसके पश्चात चल समारोह का आयोजन किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात वापस गुरुवेश्वर महादेव मंदिर में शोभा यात्रा पहुंची, वहां महाआरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर उज्जैन समाज के समस्त युवा साथी, मातृशक्ति, बुजुर्ग एवं सभी उपस्थित थे। देखते हैं पूरी खबर राजेंद्र देवराय के साथ।